साथ जो व्यवहार हुआ है उसको लेकर के आज हम विधानसभा में अध्यक्ष से प्रश्न उठाएंगे। जिस प्रकार से इस सरकार के मंत्री और विधायक माननीय जगत सिंह नेगी जी को मारने आए हैं, उनको बाजू ऊपर कर करके उन्होंने ऐसा आक्रामक रुख अपनाया, गाली गलौज किया, कूट तड़ाक किया और बड़ा ये हिमाचल की विधानसभा में जो ये हुआ है कल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल के विधानसभा की बड़ी उच्च परंपरा रही है, विशेष करके जो सत्ता में लोग हैं उनको बड़े संयम से और शांति से काम लेना चाहिए, मगर ऐसा कल देखने को नहीं मिला है। एग्रेशन तो आपकी तरफ, मैंने जो टिप्पणी की थी वो आरएसएस का जो रोल है, आज उन्होंने कहा था कि आरएसएस का आज़ादी की लड़ाई में कोई रोल नहीं है। अब आरएसएस का जहाँ नाम लेते हैं तो भाजपा के लोगों को तकलीफ होती है और ये सत्य है कि आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस का जो आरएसएस के लोग थे वो अंग्रेज़ों के मुख्तसर थे, उस बात से अगर इनको तकलीफ है, उन्होंने कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है और अपने विचार रखना, अपने विचार को प्रकट करना सदन में विधायक का अधिकार है। तो आज हम इस मामले को सदन में उठाएंगे और जैसा भी फैसला अध्यक्ष लेंगे उसके मुताबिक हमारी रणनीति होगी। हम जो है वो अगर इस तरह से अपने मर्जी के मुताबिक जो है सदन को चलाने की अगर भारतीय जनता पार्टी और स्पीकर साहब कोशिश करेंगे, हम ऐसा चलने नहीं देंगे। या तो रख सारा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।